निकारागुआ में जन्मे लोपेज के माता पिता 1972 में न्यूयॉर्क शहर में चले गए। चार अपने मूल देश में उनके पिता जूलियो तानाशाह अनास्तासियो सोमोजा के लिए काम करते थे, जो सैंडिनेस्टा क्रांति के बाद 1977 में उखाड़ फेंका गया था। उनके पिता ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अजीब काम किया, लेकिन बाद में टेक्सास में जगह ले ली। पांच लोपेज ने अपने पिता और जीन उनक बड़े भाई से 5 वर्ष की आयु में अपने गैराज में ताइक्वांडो के खेल को सीखा। 3. वह 1997 में चीनी भूमि टेक्सास के कैंपना हाई स्कूल के स्नातक थे, जहां वह थे। लोपेज के भाई बहन मार्क, डायना और जीन लोपेज कोच ताइक्वांडो में संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राष्ट्रीय टीम सदस्य हैं। 1. उनके छोटे भाई बहन मार्क और डायना ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 1904 के बाद पहली बार अंक लगाया गया था कि 3 भाई बहन एक ही ओलंपिक टीम पर रहे हैं। लोपेज और भाई बहन मार्क पुरुषों की फेदरवेट और डायना महिलाओं के फेदरवेट दोनों ने अप्रैल 2005 में खेल इतिहास बना दिया, जब सभी ने एक ही विश्व चैंपियनशिप खिताब का दावा किया। 2005 विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप अपने सबसे पुराने भाई जीन के साथ उनके कोच के रूप में इस काम में भाग ले रहे थे। 6. स्टीवन लोपेज और डायना लोपेज दोनों 2012 ओलंपिक खेलों के लिए लंदन में जुलाई 2012 में ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में कोलोराडो स्प्रिंग्स सीओ में योग्य थे। जनवरी 2006 में लोपेज ने एक प्रतिबंधित पदार्थ एल-मेथैम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ओवर द काउंटर वाश पिनहिलर से इस्तेमाल किया था जो उसने इस्तेमाल किया था। लोपेज ने तुरंत 3 महीने के निलंबन को स्वीकार कर लिया और एक शैक्षिकी विरोधी डोपिंग कार्यक्रम में भाग लिया। 6. लोपेज ने पीपल मैगजीन के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में छपी है। 6. 2012 में उन्होंने फॉक्स के डेटिंग गेम शो द चॉइस में भाग लिया। 7. लोपेज एक रोमन कैथोलिक है जो चीनी भूमि में सेंट थेरेसा कैथोलिक चर्च में जाता है। टेक्सासेंड ने कहा है कि उनका विश्वास हमेशा अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 8. स्टीवन लोपेज को दुनिया के सभी समय के महान ताइक्वांडो एथलीटों में से एक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यूएसए टुडे स्पोर्ट्स ने यह पाया है कि वही यौन दुर्व्यवहार मामले के केंद्र में है। स्टीवन लोपेज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और कथित तौर पर लैंगिक शिकारी आगामी ताइक्वांडो विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण कोरिया में एक विमान चलाएंगे। हाल ही में यूएसए टुडे स्पोर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक लोपेज 38 और उनके भाई जीन 43 चिन अक्सर ताइक्वांडो का पहला परिवार कहा जाता है, पर 4 महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। भाइयों ने पिछले हफ्ते साक्षात्कार में आरोपों से इनकार किया। रियो डे जनेरियो 5 विश्व चैंपियनशिप खिताब, 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक और 1 कांस्य के नाम के साथ यह आश्चर्यजनक होगा कि स्टीवन लोपेज ने ताइक्वांडो की दुनिया में क्या साबित किया था। यह ऐसा है 2012 में लंदन खेलों से पहले एक तकनीकी चोट। लंदन ओलंपिक में पहली बार लंदन ओलंपिक में लगी थी। रियो उनके 5वें ओलंपिक खेलों उनके मोचन होना था। वह इस खेल में एक और निशान को छोड़ने का उनका मौका है, जिसमें वह सबसे अधिक समय की सबसे सजाया एथलीट है। यह ऐसा है 2012 में लंदन खेलों से पहले एक तकनीकी चोट लंदन ओलंपिक में पहली बार लंदन ओलंपिक में लगी थी। रियो उनके 5वें ओलंपिक खेलों उनके मोचन होना था। वह इस खेल में एक और निशान को छोड़ने का उनका मौका है, जिसमें वह सबसे अधिक समय की सबसे सजाया एथलीट है। लोपेज को अंततः मंच से छोड़ दिया गया था ट्यूनिशिया के ओसामा क्यूस्टेल के लिए कांस्य पदक से मुकाबले में उनकी हार ने रियो की यात्रा खत्म कर दिया। हालांकि वह ओलंपिक को अपनी शर्तों पर छोड़ रहा है, न कि किसी चोट के साथ, जो कि हर किसी के दिमाग में क्या होगा सवाल छोड़ते हैं। लोपेज ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं प्रदर्शन करने और लड़ने में सक्षम था, और यह सब मुझे मिला है।
मैंने यह सब अंगूठी में छोड़ दिया। मुझे अपने प्रदर्शन पर गर्व है। उद्धरण चिन्ह। उनके भाई और कोच जीन लोपेज ने कहा, उन्हें इतने सालों से सफलता मिली कि वे इतिहास का समय और समय और समय और समय फिर से कर सकें। जब आपके पास नुकसान होता है तो यह आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की सराहना करता है। Ну, не случайно оживился так зал здесь. Все-таки все понимают, что это за человек.